तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप मोबाइल से ही पता कर सकते हैं कि आपके शहर के थिएटर में अभी कौन कौन सी पिक्चर लगी हुई है। आप मोबाइल के जरिए भी टिकट बुक कर सकते हैं या फिर आप वहीं पर ही जाके टिकट बुक कर सकते हैं। तो मोबाइल से थिएटर में मूवी कौन कौन सी लगी हुई है इसे चेक करने के बहुत से तरीके हैं, पर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता देता हूँ। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको सर्च करना है बुक माई शो। तो आपके सामने बुक माई शो की वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट को ओपन कीजिए। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करने का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी सिटी सर्च करेंगे, सर्च लिस्ट में आपकी सिटी आ जाएगी, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अगर वेबसाइट ओपन करते ही आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी सिटी यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके सामने वो सभी मूवी यहाँ पे आ जाएगी जो अभी थिएटर में चल रही होगी, जो अभी थिएटर में लगी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि थिएटर में कौन कौन सी मूवी लगी हुई है। अगर आपको ऑनलाइन ये टिकट बुक करनी है तो आपको उस मूवी के पोस्टर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक कर देना है। जिस भी डेट की आप टिकट बुक करना चाहते हैं आपको उस डेट पे क्लिक करना है। जिस भी टाइम आप मूवी देखने जाना चाहते हैं आपको उस टाइम पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए। जितनी भी टिकट आपको बुक करनी है वो नंबर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट सीट पे क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पे सीट सिलेक्ट कर लीजिए। सीट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 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 क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे पॉपकॉर्न बर्गर कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के सबमिट कीजिए। यहाँ पे पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी जरिए यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपको आपकी टिकट मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके शहर के थिएटर में कौन कौन सी मूवी लगी हुई है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।